आपका प्रैक्टिकल शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आइडेंटिफाई डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो हम वन बाय वन सारे के सारे कंपोनेंट्स देखेंगे। ये है आपका 1 टन कैपेसिटी का विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ये उसका कट सेक्शन मॉडल है। तो हम इसके सारे कंपोनेंट्स एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये रखा है आपका, ये है कॉम्प्रेसर। ठीक है, ये रोटरी टाइप एयर कॉम्प्रेसर है। ठीक है, यहाँ से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की जो रेफ्रिजरेंट रहेंगी वो जाएंगी डिस्चार्ज लाइन के थ्रू सीधी की सीधी कहाँ जाएगी आपके कंडेंसर सेक्शन में। ये है आपका फिन्स टाइप फोर्स डॉट एयर कंडेंसर, फिन्स टाइप फोर्स डॉट एयर कंडीशनर। इसको फोर्स डॉट इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक फैन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये फैन की वजह से ये क्या होगा, आपको आपके रेफ्रिजरेटर को ठंडा करेगा। ठीक है, यहाँ पर 2-in-1 मोटर लगी हुई है। इसको 2-in-1 इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये एक साथ में आपके फैन को और आपके ब्लोअर को दोनों को भी रन करता है। ठीक है, फैन को और ब्लोअर को। यहां से जो आपका रेफ्रिजरेंट रहेगा ठंडा वाला, ये कहा जाएगा आपके, ये आपके एक्सपांशन डिवाइस से होते हुए जाएगा। ये एक्सपांशन डिवाइस कौन सा है आपका, कैपिलरी ट्यूब। तो ये कैपिलरी ट्यूब से होते हुए ये कहा जाएगा आपके इवोपरेटर में। ठीक है, तो ये आपका इवोपरेटर सेक्शन है, ये आपका फिन्स टाइप इवोपरेटर सिस्टम है। यहाँ इसका काम क्या रहेगा कि आपके रूम में जितना भी एयर रहेगा ये क्या करेगा, इवोपरेटर उसको सक करेगा और उस फिन्स टाइप का होने की वजह से ये क्या होगा, आपका जो एयर रहेगा वो क्या होगा, ठंडा होगा। और वो ठंडा एयर, वो कूल एयर, ये ब्लोअर की वजह से क्या होगा, यहाँ पर डाइवर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वो जो कूल एयर रहेगा वो क्या होगा, डाइवर्ट होगा और इस सेक्शन के थ्रू आपके रूम में ठंडा एयर कूल एयर वापस चले जाएगा। तो मेन फंक्शन क्या है अपने एयर कंडीशनिंग का, कि आपके रूम की ही वो एयर को सक करते हुए आपके ही रूम में उसी एयर को वो डाइवर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर आपका थर्मोस्टैटिक स्विच लगा हुआ है। थर्मोस्टैटिक स्विच का काम क्या रहेगा कि आपको जितना भी आपको एयर लग रहा है, आपको जितना भी एयर चाहिए आप यहाँ पर उसको स्विच कर लो। आपके रूम में जितना उतना कूलिंग अगर हो गया तो आपका कॉम्प्रेसर अपने आप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वो कॉम्प्रेसर क्या होगा, अपने आप बंद हो जाएगा। बस यही एक, ये है आपका फिल्टर। आपकी जो एयर इवोपरेटर से सक होती है वो जब वापस से यहाँ से निकल के, तो ये क्या होगा, फिल्टर से थ्रू क्या करेगा, वो उसको फिल्टर करेगा। मतलब आपके इसमें एयर में जो भी डस्ट पार्टिकल होंगे, जो भी छोटे मोटे ऐसे अनवांटेड पार्टिकल होंगे, ये फिल्टर क्या करेगा, उसको पहले ही रिमूव कर देता है। ठीक है, सो बस इतने ही कंपोनेंट्स होते हैं आपके विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, जिसकी आपको स्टडी करनी है। सो गाइस, जैसा आप लोगों ने अभी देखा विंडो एयर कंडीशनिंग के बारे में, वैसे ही अभी इसका जो नया एडवांस रूप चालू है वो है स्प्लिट एयर कंडीशनिंग। ठीक है, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग में उसको दो यूनिट में डिवाइड किया गया है, एक होता है इंडोर यूनिट और दूसरा होता है आउटडोर यूनिट। अब इसको इस प्रकार से डिवाइड किया गया है कि आपके कंपोनेंट्स इस प्रकार के, आपके दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हीटिंग कंपोनेंट्स और एक होता है कूलिंग कंपोनेंट्स। जो हीटिंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका कंडेंसर हो गया या कॉम्प्रेसर हो गया, ये क्या करते हैं, ये हीटिंग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कर दिया, एक अलग से यूनिट में डाल दिया, मतलब उसको आउटडोर यूनिट कहलाया गया। ठीक है, और जो बाकी के जो अपने रूम को ठंडा करने का काम करते हैं, जैसे इवोपरेटर हो गया, आपकी एक्सपांशन ट्यूब हो गई, मतलब कैपिलरी ट्यूब, या फिर और भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो क्या हो गए, उनको हम लोगों ने रूम के अंदर फिट कर दिया, इसलिए उसको क्या कहा गया, इंडोर यूनिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडोर यूनिट्स को देखते हैं स्प्लिट एयर कंडीशनिंग के। सो ये है आपका इंडोर यूनिट। इसमें आपके कुछ पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे कि इवोपरेटर, उसके बाद होता है ब्लोअर, उसके बाद होता है एसी कंट्रोल पैनल। एसी कंट्रोल पैनल आपके एसी को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। उसके बाद यहाँ पे लगा होता है टेम्परेचर सेंसर्स। यहाँ पे दो तरीके के टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं, एक होता है कॉइल टाइप जो कि आपके इवोपरेटर का टेम्परेचर सेंस करता है, और दूसरा होता है रूम टाइप जो आपके रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है। उसके बाद यहाँ पे लगा होता है स्पिन मोटर। इसका काम यह होता है कि आपके रूम में आपको किस फ्लो में, आपको किस दिशा में, आपको
हवा चाहिए, किस ठंडी हवा चाहिए वो उसको निर्धारित करता है। उसके बाद होता है इसमें वाटर ड्रेनेज पाइप, आपका जो एयर है जो फ्रॉस्ट हो चुका है वो उसको ड्रेन करने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पे लगा होता है चिलर और एयर फिल्टर ड्रायर। सो ये पूरे कंपोनेंट्स लगे होते हैं आपके इंडोर यूनिट में। सो अभी हम लोग आ गए हैं आपके आउटडोर यूनिट की तरफ। यहाँ पर कंप्रेसर और कंडेंसेशन की जो प्रोसेस होती है वो आपकी यहाँ पर होती है, ठीक है। सो ये रहा आपका आउटडोर यूनिट। यहाँ पर आपको कंडेंसर जो कि फिन्स टाइप का लगा हुआ है यहाँ पर वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर कंप्रेसर भी लगा होता है, यहाँ पर रिसीवर होता है, यहाँ पर फैन मोटर होता है। फैन मोटर कंडेंसेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद यहाँ पर कैपेसिटर लगा होता है। यहाँ पर फैन मोटर और कंडेंसर मोटर, कैपेसिटर जो होता है इसमें फैन मोटर और कंडेंसर मोटर कंडेंसर टाइप का होता है जो हम यूज करते हैं पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप उसको देने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर लगा होता है पावर सप्लाई पैनल जिसमें की होता है आपका रिले और ओएलपी। इसके बारे में हमने प्रैक्टिकल नंबर 1 में पढ़ लिया है। फ्रॉम योर प्रैक्टिकल अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं स्प्लिट एयर कंडीशनिंग की असेंबली और डिसअसेंबली के बारे में, ठीक है। वहां पे मैं आपको इसके पूरे इक्विपमेंट्स के बारे में विस्तृत से जानकारी दूंगा। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल में।